नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, कल हमने कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसके काव्य खंड के पाठ्यक्रम के बारे में कल हमने आपको जानकारी दी। आज उसी पाठ्यक्रम के अनुसार पहले जो कवि भक्त कवि सूरदास जी और उनके द्वारा रचित जो पद हैं उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो साथियों, मैं ये बता देता हूँ, जो सूरदास जी हैं भक्ति काल के बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। भक्ति काल में दो धाराएं भक्ति की चली, एक को सगुण मार्गी और एक को निर्गुण मार्गी काव्य धारा कहा जाता है। सगुण मार्गी वे कवि थे जो ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं। आगे चल के ये भी दो भागों में बट गई, एक राम मार्गी और एक कृष्ण मार्गी। निर्गुण मार्गी वे भक्त कवि थे जो ईश्वर को दो रूपों में मानते हैं, एक ज्ञान रूप में और दूसरा प्रेम रूप में। वे ईश्वर को निराकार मानते हैं और उसके भी दो तरह से उन्होंने आगे इस काव्यधारा को चलाया। एक तो निर्गुण की एक काव्यधारा आगे चल के बट गई प्रेम मार्गी में, जिसके बड़े कवि रहे मलिक मोहम्मद जायसी, और एक हो गई ज्ञान मार्गी जिसके बड़े कवि रहे कबीरदास जी। ऐसे ही सगुण में दो धाराएं आगे चल के बट गई, राम मार्गी के सबसे बड़े कवि रहे तुलसीदास जी और कृष्ण मार्गी के सबसे बड़े कवि रहे सूरदास जी। तो भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण मार्गी कवि रहे हैं सूरदास जी। इनका जन्म 1478 ईस्वी में और हरियाणा राज्य में बल्लभगढ़ के निकट सिही नाम से, जो हरियाणा राज्य के हैं वो इस बात को जानते होंगे, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के पास में सिही नाम से एक गांव है। ये माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म वहां हुआ। एक मान्यता ये भी है कि मथुरा के पास रुनकता या रेणुका क्षेत्र एक है, वहां इनका जन्म हुआ। तो जन्म कहाँ हुआ इसे लेकर स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। दो तरह की धाराएं हैं, दो तरह की मान्यताएं हैं, एक बल्लभगढ़ के पास मानते हैं और एक मथुरा के पास। और इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ। अंतिम समय में ये श्रीनाथ जी के मंदिर में ही कीर्तन किया करते थे, बल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे और बाद में उनके बेटे विट्ठलनाथ जी के साथ इन्होंने काफ़ी भक्ति की। कीर्तन मंडली जो इनकी श्रीनाथ जी के मंदिर में जमा करती थी उसमें ये आठ कवि आठों पहर उस कीर्तन को किया करते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में। तो इस तरह से सूरदास जी के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं, इन्होंने मुख्यतः जो पुस्तकें इनकी प्रमाणिक जो पुस्तकें हैं वो तीन हैं। इनकी सबसे बड़ी सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो इनका सूर सागर, और दूसरी पुस्तक है साहित्य लहरी, और तीसरी है सूर सारावली। तो इनकी लोकप्रियता का जो कारण है वो इनकी पुस्तक सूर सागर है। ये यहाँ जो ये चार पद लिए गए हैं ये सूर सागर से ही लिए गए हैं, और उसमें भी एक विशेष प्रसंग आता है। प्रसंग है कि जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए कंस को मारने के लिए और बाद में वहाँ के राजा बन गए, गोपियाँ उनके विरह में पीछे व्याकुल रहती थी, उन्हें ये लगता था कि कृष्ण आने की कह गए हैं और वे अपने वादे के पक्के हैं, वो जरूर आएंगे। लेकिन बाद में भगवान कृष्ण का एक मित्र उद्धव वो गोपियों के पास आते हैं निर्गुण ईश्वर का संदेश लेकर के। गोपियों को ये बताना चाहते हैं कि साकार ईश्वर नहीं होता, ईश्वर का रूप निराकार है, तो उसको प्राप्त किया जा सकता है योग साधना से। और इस तरह से जब वो गोपियों से इन बातों को करते हैं तो गोपियां इन बातों का बुरा मानती हैं। एक तो वो उम्मीद कर रही थी कि भगवान कृष्ण आएंगे, भगवान कृष्ण तो नहीं आए तो इस बात से जली बैठी हैं, वो इसी बात पे क्रोधित है। दूसरा,
उल्टा उन्होंने अपने एक मित्र को भेज दिया जो चाहते हैं कि गोपियां कृष्ण को ईश्वर ना माने, कृष्ण के साकार रूप को ईश्वर का रूप ना मान के किसी निर्गुण ब्रह्म को ईश्वर माने और उसके लिए हम योग साधना करें। तो इन बातों को लेकर के वे उद्धव जी को भला बुरा खूब कहती है। एक जगह तो इस इन पदों में नहीं है, दूसरी जगह एक वर्णन आता है, बिलग जन मानो उधो प्यारे, के उद्धव जी बिलग जन, जन मन मत, बिलग मन बुरा, बुरा मत मान जाना, बिलग जन मानो उधो प्यारे, वो मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे, के बुरा मत मान जाना उद्धव जी, वो जो मथुरा है, मथुरा नगरी, क्या वो काजल की कोठरी की तरह है क्या, कि वहां से जो भी आता है वो काला ही आता है। अब वो बताती हैं कि काले किस तरह से काले, रंग में भी काले और अंदर से भी काले, दिल के भी काले, कि तुम काले तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे कृष्ण हमारे, मानो नील माटते काढ़े जमुना जूले पखारे, और ता गुण श्याम भई कालंदी सूर श्याम प्रभु न्यारे। वो कहती है कि उद्धव जी बुरा मत मान जाना, मथुरा नगरी जो है उसमें पता नहीं क्या खास है, वहां से जो भी आता है काजल की कोठरी की तरह है वो, उसमें से जो भी निकल के आता है वही काला होता है, रंग से भी काला और दिल से भी काला। तुम कारे, तुम्हारा भी रंग काला है और दिल भी काला है, क्योंकि बात तुम्हें कहनी चाहिए थी हमारे मतलब की, तुम कह रहे हो हमारे जो अहित की बात है। सुफलक सुत कारे, और जो सुफलक अक्रूर जी हैं, जो सुफलक के पुत्र हैं अक्रूर जी, जो कृष्ण को लेकर के यहां से गए, वो भी काले थे, भगवान कृष्ण भी काले हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, रंग भी काला दिल से भी काले, ऐसा लगता है मानो नील माटते काढ़े, ऐसा लगता है जैसे मानो ये इन लोगों को नीले नील का कोई माट कलश मटका उसमें नील घोल रखी है और उसमें ये डुबा डुबा के ये लोग काले काले ये निकाले हैं और इन्हें यहाँ गोकुल के लिए बरसाने के लिए भेज देते हैं, और उनको बाद में जमुना जी में धोने के कारण हमें तो ये लगता है कि वो जमुना जी भी इसी वजह से काली पड़ गई है कि ये सब लोग वहां ले जा करके धोए गए। तो इस तरह की वो जली कटी बातें उद्धव जी को कहती हैं। उन्हें ये बड़ा खराब लगता है कि उद्धव जी भगवान कृष्ण का समाचार देने की बजाय हमें ये समाचार दे रहे हैं कि निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम योग साधना करें, तो ये उन्हें बड़ा खराब लगता है। तो देखिए यहाँ चार इनके पद हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला पद देखिए, उधो तुम हो अति बड़ भागी, व्यंग्य करती हैं गोपियां। सूरदास जी की ये बड़ी विशेषता रही है, उनकी गोपियां बात बनाने में बड़ी तेज हैं, और वो कहती हैं उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कि उद्धव जी तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, अति बहुत बड़ भागी, बड़े भाग्य वाले, भाग्यवान। अब ये भाग्यवान कहना ये उनपे व्यंग्य करना है, कैसे भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस अछुए अछूते, रहत रहे हो, स्नेह माने प्रेम, तगा माने धागा, ते माने से, कि हे उद्धव जी तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम प्रेम रूपी धागे से अब तक अछूते रहे हो, मतलब किसी के प्रेम में बंधे नहीं हो जैसे हम बंध गई हैं भगवान कृष्ण के प्रेम में। ना ही मन अनुरागी, तुम्हारा मन जो है वो कभी किसी का प्रेमी नहीं रहा है, तुम्हारा जो मन है वो प्रेमी नहीं रहा है, तो इसलिए तुम्हें ये बातें नहीं पता है। ना ही मन अनुरागी, तुम्हें नहीं पता कि प्रेम क्या चीज है। आगे कहती हैं कि पुराइन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, पुराइन पुराइन माने कमल, पात माने पत्ता, कि जैसे जल के भीतर कमल का पत्ता रहता है, तारस उसके रस में, किसके जल में, तारस उस रस से, उस जल से देह न दागी, उसकी देह पे कोई दाग नहीं लगता, कि तुम तो उस तरह से रहे हो पानी में रहे हो
लेकिन पानी की एक बूंद का भी असर तुम पर नहीं है। गोपियां क्या कहना चाह रही हैं ये कि भगवान कृष्ण के साथ रहते हो और उनके साथ रहकर के भी तुम्हारे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं है, तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम नहीं है। तुम तो उस कमल के पत्ते की तरह हो जो पानी में रहता है लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती। पूरा निपात रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस उसके रस से उसकी देह पे दाग भी नहीं लगता, मतलब पानी की एक बूंद तक उस पर नहीं रहती है। अगली लाइन कहती है, ज्यो जल माह तेल की गागरे, ज्यो जिस प्रकार जल माह माने में जल में तेल की गागर, जैसे जल में तेल की गगरी, ऐसी गगरी जिसमें तेल लिपटा हुआ हो, लगा हुआ हो, वो डाली जाए, बूंद ना ताको लागी और उस गगरी पे एक बूंद भी नहीं टिकती, उसी तरह तुम भी चिकने घड़े हो। गोपियां सीधा सीधा उद्धव जी को नहीं कहती, व्यंग्य करके घुमा फिरा के व्यंजना शक्ति लक्षण शक्ति के माध्यम से उन पर प्रहार करती हैं कि जिस प्रकार जल में तेल की गगरी डाली जाए एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती, उसी प्रकार तुम भगवान कृष्ण के साथ इतने समय रहे लेकिन उनके प्रति एक अंश भी तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। बूंद न ताको, जैसे बूंद उसको नहीं लगती है, एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती है, ऐसे ही तुम रहे हो। प्रीति नदी में पाव ना बोरियो, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में अपना पाव भी नहीं बोरियो माने डुबाया है। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि भी कभी किसी के रूप से मोहित नहीं हुई है, रूप के पराग से प्रभावित नहीं हुई है। गोपियां कहती हैं कि प्रीति नदी, प्रीति रूपी नदी में, प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पांव डाला ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि जो है वो कभी किसी के रूप पे मोहित नहीं हुई, कभी किसी के रूप पे आकर्षित नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव जी को संबोधित कर रही हैं और वो कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम अबला हैं, भोली हैं और हम तो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम में उसी तरह लिपटी हुई हैं जैसे गुड़ में गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ में चींटी ज्यों जिस प्रकार पागी से तात्पर्य लिपटने से है। कि हे उद्धव जी, हम बलहीन हैं, ताकत के बल पर कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, हम भोली हैं, हमें छल कपट भी नहीं आता, हम तो केवल एक ही चीज जानती हैं और वो है प्रेम करना, और हम भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं और उसी प्रकार प्रेम करती हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ को प्रेम करती है। गुड़ को आप कहीं रख दें चींटी वहीं पहुंच जाएगी, और चाहे उस प्रेम में उनकी जान का खतरा ही क्यों ना हो, वह गुड़ से लिपट जाती है, मर जाती है, लेकिन उसके प्रति प्रेम को नहीं त्यागती। उसी प्रकार हम भी भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको नहीं त्यागते। तो इस बात को गोपियां यहां कह रही हैं। तो इसमें व्यंग्य की छटा देखने को मिलती है, किस तरह से गोपियां उद्धव जी को व्यंग्य करती हैं। अगला पद देखते हैं, दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां कहती हैं उद्धव जी, हमारे जो मन में थी वो मन में ही रह गई, मन की मन में, मांझ मन में भीतर रही, कि हमारे तो मन की मन में ही रह गई। क्या रह गई? कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही। कहिए जाई, किसे जाकर के कहें, किससे जाकर के कहें उधो जी, ना ही परत कही, अब हमसे कहा भी नहीं जाता। कहिए, बताइए कहां जाएं, किसके पास जाएं उधो जी, हमसे ये व्यथा, ये दर्द, ये कष्ट अब किसी से कहा भी नहीं जाता, ना ही परत कही, कहा भी नहीं जाता।
अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की। अवधि माने समय, आधार माने आधार था, आस उम्मीद, आवन की माने आगमन की, आने की। कि भगवान कृष्ण ने हमें समय दिया था कि मैं आऊंगा, अवधि दी थी और वही अवधि हमारे जीवन का आधार थी। वो जो उम्मीद थी उनके आने की, वो उम्मीद के सहारे ही हम जीवित थी, जिंदा थी, तन मन व्यथा सही, और उस उम्मीद के भरोसे ही हम तन और मन पर ये व्यथा माने कष्ट सहन कर रही थी। कि भगवान कृष्ण जब यहां से गए जा रहे थे तो उस समय उन्होंने वादा किया कि मैं जरूर आऊंगा, तो हमने वो मन में बिठा ली कि वो आएंगे, और उनके इंतजार में, इस आशा में कि वो आएंगे, हमने अपने तन और मन पर सारे कष्टों को सहन किया। अब इन जोग संदेश नि सुन सुन, अब जो जोग मन योग, योग का संदेश तुम हमें दे रहे हो कि ईश्वर साकार नहीं है, निराकार है, उसे प्राप्त करने के लिए योग साधना करनी पड़ती है, इसको सुन सुन करके विरहिणी, जो पहले से ही विरह में पीड़ित हैं, विरह रूपी आग में जल रही हैं। कि अब तक तो हम परेशान थी, लेकिन एक उम्मीद थी, लेकिन तुमने ये योग साधना की बात कह के वो उम्मीद भी हमारी समाप्त कर दी, तो अब हमारा जो विरह है, वह विरह की आग हमें दही दही दहन, दहन से शब्द बना है दही, भूतकाल के, हम दही माने जल रही हैं, जली हैं। चाहती चाहती हुती गुहार जितही ते, कि हम जहां चाहती थी गुहार लगाना, पुकार लगाना, अपनी रक्षा के लिए निवेदन करना, जितही ते जहां से, उतते धार बही। चाहती हुती, चाहती थी, हुती माने थी, गुहार लगाना, पुकारना, निवेदन करना, जहां से जितही ते जहां से, उतते धार बही, वहीं से यह योग की धारा बह करके आ रही है। कि यदि आप ये बातें जब हमें बता रहे हैं, तो हम गुहार लगाना चाहती थी, कहाँ लगाते, कृष्ण के पास, लेकिन अब हम ये देख करके आश्चर्यचकित हैं और पीड़ित हैं कि उस कृष्ण की तरफ से ही तुम ये संदेश हमें दे रहे हो, तो अब तो हम कहीं निवेदन करने के भी नहीं हैं, कहीं याचना करने के भी नहीं, कहीं पुकारने के भी नहीं हैं। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब धीर धरे ही क्यों, कि अब हम धीर क्यों धरें, अब हमारा जो धैर्य है वो जवाब दे गया है, भगवान कृष्ण अपने वादे पर खरे नहीं उतरे, हम जो धैर्य रखे हुए थी, धीरज रखा हुआ था हमने कि भगवान कृष्ण आएंगे, लेकिन अब बताइए कि हम कैसे धीरज रखें, क्यों धीरज रखें, जब मर ज्यादा न लही, जब मर्यादा ही नहीं रही है, मर्यादा ही उन्होंने नहीं रखी, तो फिर अब हम कैसे धीरज रखें। ये दूसरा पद, और इस पद में भी गोपियां व्यक्त करती हैं अपनी पीड़ा, भगवान कृष्ण के प्रति अपना प्रेम, अपनी अनन्य भक्ति। तीसरा देखते हैं, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, गोपियां कहती हैं उद्धव जी हमारे जो हरि हैं भगवान कृष्ण, वो हारिल की लकड़ी की तरह हैं हमारे लिए। हारिल एक पक्षी का जिक्र आता है, छोटा पक्षी है, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो लकड़ी से बड़ा प्रेम करता है, और इसलिए कभी भी कोई उसे जमीन पे बैठा हुआ नहीं देख सकता, लकड़ी के अलावा वो उस पक्षी को कहीं दूसरी जगह देखा नहीं देख सकते बैठा हुआ। तो ऐसा लगता है जैसे हारिल का प्रेम लकड़ी के प्रति बहुत ज्यादा है। गोपियां कहती हैं कि वैसे ही जैसे हारिल लकड़ी को प्रेम करता है, वैसे ही भगवान कृष्ण हमारे लिए उस हारिल की लकड़ी की तरह ही हैं, उतना ही प्रेम हम भी भगवान कृष्ण से करती हैं। आगे कहती है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन, नंद बाबा के नंदन माने पुत्र
और माने हृदय, कि हमने मन वचन कर्म से नंद नंदन के को अपने उर में बिठा रखा है, हृदय में बिठा रखा है। यह है दृढ़ कर पकड़ी, कि ये जो लकड़ी है जैसे हारिल पकड़ता है, वैसे ही हमने कृष्ण भगवान को मन कर्म वचन से अपने हृदय में दृढ़ माने मजबूती से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए सोते हुए सपने में, दिन में रात में, दिवस दिन निसी रात में, कान है जकरी, कि हम तो भगवान कृष्ण को जकरी माने जपते रहते हैं, याद करते रहते हैं, चाहे वो सोते समय, जागते समय, सपने में, दिन में, रात में, कोई भी समय हो, हमारा हृदय जो है वो कृष्ण की रट लगाए रहता है, वो उसे याद करता रहता है। सुनत जोग लागत है सो, कि हे उद्धव जी, जो तुम योग की बात करते हो ना, ये हमें ऐसा लगता है ज्यो करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी होती है, जैसे ही हम उस पर मुंह मारते हैं तुरंत हमारा मुंह कड़वा हो जाता है और तुरंत हम उसे त्याग देते हैं, फेंक देते हैं। तुम्हारे योग ने भी हमारे मन को, हमारी जुबान को कड़वा कर दिया है और ये हमें त्याज्य लग रहा है, हम इसे त्यागते हैं, योग में हमें आनंद नहीं आ रहा है। ये तो करुई माने कड़वी ककड़ी की तरह स्वाद देता है। सुतो व्याधि हमको ले आए, सुतो वह ऐसी बीमारी, व्याधि माने बीमारी, रोग, हमको ले आए ऐसी बीमारी तुम हमारे लिए ले आए हो, देखी सुनी ना करी, कि ये जो योग तुम लेकर के आए हो ना उदो, ये हमारे लिए एक बीमारी की तरह है, एक रोग की तरह है, और रोग भी ऐसा जो हमने कभी ना देखा ना सुना और ना कभी किया, कभी उसका अनुभव ही नहीं लिया। यह तो सूरत नहीं ले सोपो, कि हे सूरदास जी, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, हे उद्धव जी, यह तो इस योग को तो, यह तो योग को तो तिन्ही माने उन्हें ले जाकर के सौंप दो, जिनके मन चक्री, कि जिनके मन चक्री माने चंचल हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं टिकते, कि ये जो तुम्हारा योग है जो एक निष्ठता की बात करता है, एकाग्रता की बात करता है, ये उन लोगों को जाकर के सौंपो जिनके मन चंचल हैं, एक जगह नहीं टिकते। हम तो भगवान कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती हैं, तो इस योग की हमें जरूरत नहीं है। और प्यारे साथियों, इस तरह से अंतिम पद की ओर हम बढ़ते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, हरि माने कृष्ण, राजनीति पढ़ आए हैं, पढ़ लिए हैं। पहले जब हमारे साथ रहते थे तब उन्हें राजनीति का नहीं पता था, लेकिन हम मथुरा गए, वहां राजा बन गए, और अब राजा बनने के बाद उन्होंने राजनीति करना सीख लिया है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सम पाए, कि मधुकर ने जो कुछ हमें समझाया वो बात हमने समझ ली है, मधुकर ने जो कुछ हमसे कहा वो सब बात हमने समझ ली है, सब समाचार हमने प्राप्त कर लिए हैं। और उससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वो अब हमसे भी राजनीति कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम जो उन्हें अपने दिल में बिठाए हुए हैं उन्हें भूल जाएं। एक अति चतुर होते पहले थे, ये एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो अति माने बहुत, चतुर माने चालाक, होते माने थे पहले ही, पहले से ही वो बहुत चालाक थे। अब ऐसा लगता है गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब ऐसा लगता है गुरु ने और ग्रंथ या बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए हो, या दो अर्थ हो सकते हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ने उन्हें और ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, या गुरु माने बड़ा, अब उन्होंने और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिनसे उनको राजनीति आ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और हमने उनकी
ये जो बढ़ी हुई बुद्धि है ये जान ली है, किस बात से? इस बात से कि उन्होंने उद्धव जी को योग संदेश लेकर के हमारे पास पठाए, हमारे भेजा है कि हे उद्धव जी, पहले से ही भगवान कृष्ण अति चतुर थे, लेकिन अब ऐसा लगता है उन्होंने और ग्रंथ पढ़ लिए हैं, गुरु ने उन्हें और अध्ययन कराया है, जिससे उन्होंने राजनीति को पूरी तरह सीख लिया है और उनकी बढ़ी हुई बुद्धि हमने जान ली, क्योंकि उन्होंने तुम्हें योग संदेश लेकर के हमारे पास भेज दिया। इससे हमें पता लग गया कि वो बहुत बड़े चतुर हो गए हैं, बहुत चालाक हो गए हैं। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, कि हे उधो जी, भले लोग आगे के और आप भी आगे के माने दूसरे, कृष्ण तो चालाक है ही, लेकिन उनसे भी अच्छे वो लोग हैं जो उनके कहे अनुसार कार्य करते हैं। अब ये सीधा सीधा उधो जी पर व्यंग्य कर रही हैं कि हे उधो, भले लोग आगे के वे लोग भी खूब भले हैं, पर हित ढोलत आए, पर हित ढोलत धाए, कि जो पर माने दूसरों के हित माने कल्याण के लिए डोलते हुए दौड़ते हुए यहां आए हैं। कि कृष्ण तो बहुत चालाक हैं, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे के भी जो लोग हैं जैसे तुम हो, वो भी बहुत भले हैं, दूसरे के काम के लिए और इतनी दूर यहां हमें योग का संदेश देने के लिए दौड़ते आए हैं, तुम भी धन्य हो। इस तरह से वो उद्धव जी पर भी व्यंग्य करती हैं। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए, गोपिया कहती है चलो एक बात तो है कि अब हम अपने मनों को, मन हृदय को फिर माने दोबारा प्राप्त कर लेंगी, पाई हैं। चलत जो होते चुराए, कि भगवान कृष्ण ने जब यहां से जाते हुए हमारे हृदय चुराए थे, उन चुराए हुए हृदयों को अब हम दोबारा प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण अब हमसे प्रेम नहीं करते, अब वो हमारे हृदयों को हमें वापस कर देंगे। ते क्यों अनीति करें आपुन, ते मन वे अनीति क्यों करते हैं आपुन मन खुद, जे और अनी छुड़ाए, भगवान कृष्ण को कहती हैं कि समझ में नहीं आता वे लोग क्यों अनीति करते हैं, अन्याय करते हैं, नीति हीन बातें करते हैं, जो दूसरों की अनीति को दूर करते हैं। भगवान कृष्ण ने कंस के अत्याचारों को देखते हुए मथुरा को उन अत्याचारों से मुक्त किया, उसकी अनीति को छुड़ाया। तो जो दूसरों की अनीति को, अत्याचार को नष्ट करते हैं, समाप्त करते हैं, वे खुद क्यों अनीति करते हैं, अन्याय करते हैं, यह बात समझ में नहीं आती। राजधर्म तो यह है उदो, राजधर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां कहती हैं कि हे उदो, राजधर्म तो यह है कि राजा कभी अपनी प्रजा को न सताए। वे मथुरा के राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं, और इस योग संदेश के माध्यम से जिस तरह वे हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरों के अत्याचारों से मुक्त कराने वाला जब खुद अत्याचार करे, तो यह बात समझ में नहीं आती। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव, कृष्ण राजा हैं और उनका राज धर्म तो यह कहता है कि उन्हें प्रजा को नहीं सताना चाहिए। तो प्यारे साथियों, ये आपके बीच हम लेकर के आए सूर के पद। सूरदास जी ने जो सूर सागर लिखा, उसमें से ये चार पद भ्रमर गीत प्रसंग से आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये चारों पढ़े तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गए होंगे। अति शीघ्र हम अगली कविता लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे, तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, अति शीघ्र ही हाजिर होते हैं, उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार हमें सुन रहे हैं। इसी तरह से आप हमें उत्साहित करते रहिए ताकि हम और बेहतर
वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित हो सके। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जल्दी ही मिलते हैं, आप सभी को नमस्कार।